के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन में शेयर कर लूँगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। यहाँ पे मैदा, चीनी और नमक के अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये ईस्ट। ये है इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे इस ईस्ट के बारे में, लेकिन जो इस चैनल पर नए आए हैं मैं उनको बता दूं कि इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ही हमको अपनी ब्रेड्स के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इस ईस्ट को हमें पानी में घोल करके और दूध में घोल करके इसका बबल्स बनने का वेट नहीं करना पड़ता है, ना ही हमें ये चिंता करने की ज़रूरत है कि हमारा जो ईस्ट है वो अलाइव है कि नहीं है। तो ये आप बेफिक्र होकर के इस ईस्ट को एज इट इज़ अपने डो में डाल सकते हैं। डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं ब्रेड्स के। दूसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ग्लूटेन। मैंने लास्ट अपने आटा ब्रेड के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमें ब्रेड्स के लिए 10 से 14% ग्लूटेन चाहिए होता है, लेकिन हमारे इस मैदे में इतना ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसीलिए हमें ऊपर से एक्स्ट्रा ग्लूटेन डालना पड़ता है। और यही ग्लूटेन हमारे ईस्ट और चीनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है उस गैस को इस ब्रेड में फुलाने का काम करता है। अगर ग्लूटेन हमारी ब्रेड में अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो हमारी ब्रेड ना तो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी बनेगी और ना ही वो बहुत अच्छे से शेप ले पाएगी और ना ही उस शेप को होल्ड कर पाएगी, ठीक है। तो ये ग्लूटेन जो है मैंने 225 रुपीस का ख़रीदा था, 125 ग्राम्स है, और इसमें वैसे तो शेल्फ़ लाइफ 1 साल लिखी है, लेकिन फ्रीज़र में आप इसको 2 साल तक भी रख सकते हैं ऐसे इसी एयर टाइट कंटेनर में, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला ब्रांड यूज़ करें। और यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा इन्ग्रीडियंट है ब्रेड इम्प्रूवर, ठीक है। ये मैंने ब्रेड इम्प्रूवर जो है अपना डाल करके इस कंटेनर में रख दिया है एयर टाइट, और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये जो हमारा ब्रेड इम्प्रूवर है ये हमारी ब्रेड को जो है वॉल्यूम देता है, वो जो आप देखते हैं ना जो वो सॉफ्टनेस आता है और जो ब्रेड एकदम फूल करके ऐसे वॉल्यूम दिखाता है वो इसकी वजह से आता है। अगर आप अपना जो डोनट है चाहते हैं कि वो बिल्कुल बाहर जैसा बने तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। चीनी, नमक, ईस्ट, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन। ये यहाँ पे मैंने 160 ml पानी लिया और ये पानी आपको आँख बंद करके इसमें डाल देना है, इतना क्वांटिटी तो उसके अंदर पानी आएगा ही आएगा। ऑथेंटिकली वैसे तो हमारे जो डोनट्स होते हैं उसके अंदर जो है एग्स डलते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे एगलेस बना रही हूँ, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले मैं पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिला लेती हूँ। ये मेरा 500 ग्राम मैदा है और 500 ग्राम में हमारे 2 एग्स इस रेसिपी में जाते हैं, वो भी आँख बंद करके आपको डालना है, कोई आपको मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो एक एग होता है वो विदाउट शेल 40 ग्राम्स के करीब होता है, ठीक है। तो मतलब 2 एग अगर हम इस रेसिपी में डालते हैं तो 80 ग्राम के करीब हमारा इसमें लिक्विड और जाता है जो कि हम अभी नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 80 ग्राम एग की जगह में 80 ml दूध ले लिया है, 80 ml ये मैं डालूँगी, लेकिन ये मैं धीरे धीरे ही डालूँगी, ठीक है, एकदम से सारा नहीं डालूँगी, क्योंकि ये डो हमारा बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अगर ये पतला हो गया तो आपका जो है डोनट जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं बन पाएगा। तो अब ये जो है नीट करके गूंद करके ये डो मेरा कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। और आटा गूंदते वक्त 80 ml के ऊपर मैंने 6 से 7 चम्मच ये वाले दूध के डाले थे, जो हमारे घरों में ये नॉर्मल बड़ा चम्मच होता है, ठीक है। कभी भी हमें लिक्विड जो है एकदम से एक साथ नहीं डालना है, क्योंकि हम रेसिपी में थोड़ा सा एग्स को जो है रिप्लेस कर रहे हैं मिल्क से, तो इसीलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी का ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए मैंने उस टाइम पे सिर्फ 80 ml दूध लिया था, और जब मुझे लगा कि वो बाद में आटा जो है अच्छे से बाइंड नहीं हो पा रहा है, तब मैंने 6 से 7 चम्मच दूध और डाला था, ठीक है। जब ये स्मूथ ये स्टेज आ जाएगी
तब हम इसमें ये बटर डालेंगे, ठीक है। और बटर को हमको जो है छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है, और ठंडा बटर डालना है, पिघला हुआ ये सॉफ्ट बटर हमें नहीं डालना है, ठीक है। तो इसको भी हम एक साथ नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे हम ऑयल डालते हैं उस तरीके से हम इसको थोड़ा सा नीट करेंगे। अब ये देखो, ये जो अंदर हमने डाला था बटर, ये मेल्ट हो गया ना अपने आप, ठीक है। फिर अब हम इसमें थोड़ा सा बटर और डालेंगे, और सेम प्रोसीजर से हम इसको करेंगे जैसे हम ऑयल के साथ करते हैं। आप नीडिंग प्रोसेस के लिए मेरा वाइट सैंडविच ब्रेड वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। अगर आपको मान लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो इसको गूंदने में, तो आप थोड़ा सा दूध का हाथ इसमें और लगा सकते हैं, लेकिन बस ये है, मैं आपको इसलिए ज़्यादा दूध के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आपने दूध एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो ये आटा पतला ना होना होना नहीं चाहिए। पतला हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी डोनट बनाने में। और ये बटर डालने के बाद ये आटा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, ठीक है। जब आप बटर डालेंगे ठंडा, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आटा गूंदने में, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीट करते जाएंगे, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया है ब्रेड के, तो ये आटा गूंद करके कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। एकदम स्मूथ होना चाहिए। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, इस आटे को फ्रिज में रखूंगी कवर करके अच्छे से, ताकि इसके ऊपर ड्राइनेस की लेयर ना आए। जब कभी भी हमें ब्रेड में शेप देनी हो, तो कभी भी हमें उसी टाइम पर आटा गूंदते ही शेप नहीं दे देनी है। हम इसे कम से कम आधा घंटा फ्रिज में रखेंगे, खास करके गर्मियों में, ताकि ये डो सेटल हो जाए अच्छे से और हमें शेप देने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें मैं क्लिंग रैप करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। मेरा चॉकलेट गनाश बन करके तैयार है, और जैसा कि आपने देखा कि मैं लगातार चॉकलेट गनाश बनाते हुए हाथ को चलाती रहती है। आपको हाथ को रोकना नहीं है, अगर आप हाथ रोकेंगे तो ये जल जाएगा। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट में 60 ml अमूल फ्रेश क्रीम डाला था, और लास्ट में मैंने 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे गर्म पानी डाला है। ये जो आप शाइन देख रहे हैं ना, ये इस पानी की वजह से आया। अगर ये मैं नहीं डालती तो ये बहुत ज़्यादा थिक रहता, और जब हम डोनट को हम इसमें कवर करेंगे, जब डोनट को इस चॉकलेट गनाश से, तो मैं देखूंगी अगर ये थिक हुआ तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करूंगी इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ठीक ऐसे ही मैंने व्हाइट चॉकलेट का भी बना लिया था। पास ये बटर पेपर रहता है तो मैंने यूज़ कर लिया। आपके पास नहीं होगा तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर सकते हैं ट्रे में, ताकि ये चिपके ना। और ये मैंने इसको जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसको ऐसे उठा के हमें ऐसे उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना है, ठीक है।
अब मैं ये जो एक हमारा स्प्रे वाली बॉटल आती है ये मैं इस पे स्प्रे करूँगी, लेकिन मैं हमेशा अपने ब्रेड के वीडियो में बताती हूँ कि आपको डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है, आपको ऊपर से स्प्रे करना है, दूर से, ठीक है। तो ये मैं स्प्रे कर रही हूँ ताकि इसके ऊपर जो है लेयर ना आए वो ड्राइनेस की, और हम इसको ऐसी जगह पर फर्मेंट होने के लिए रखेंगे जहाँ पर कि डायरेक्ट हवा नहीं जाती, ठीक है। आपकी छोटी ट्रे होगी क्योंकि मेरा ओवन तो प्रोफेशनल ओवन है, तो आपकी छोटी ट्रे के लिए आप किसी ओवन में या ओटीजी में अपना ये रख सकते हैं, छोटी वाली ट्रे। अब मैं इस पे पानी स्प्रे कर रही हूँ दूर से, ऐसे बस ऊपर से, ठीक है। अब मैं इसको रख दूँगी। इसको तलने के लिए किसी भी मोटे तले की कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे, रिफाइंड ऑयल, और तेल को अच्छे से गरम करके हम गैस धीरे कर देंगे, और फिर स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इन डोनट्स को तलना है, तेज़ फ्लेम पर हमें इसे नहीं तलना है, ठीक है। कभी-कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम कोई रेसिपी देखते हैं और उस रेसिपी के अंदर अगर घर की कोई चीज़ नहीं है और जिसके लिए हमें थोड़ा सा सामान खरीदना पड़ेगा, हम ना वहीं पे ही देख के गिव अप कर देते हैं कि यार कौन सामान लाएगा, कौन खरीदेगा, है ना, कौन झंझटबाजी करेगा। लेकिन वो जो चीज़ें होती है ना वो उस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि इस रेसिपी में ग्लूटेन और ब्रेड इम्प्रूवर है, दो बहुत सस्ती सी चीज़ें हैं, लेकिन इस इन दो चीज़ों से इन डोनट्स में जो है जान आ जाती है। और बाहर भी यही दो चीज़ें इस्तेमाल करी जाती हैं ये डोनट्स बनाने के लिए, इसके बिना ये डोनट ऐसे फ्लफ़ी और इतने अच्छे शेप्स ले ही नहीं सकते हैं। और आजकल तो यार इतना आसान हो गया ना कि ऑनलाइन की वजह से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और आप कुछ भी सामान मंगा सकते हो, और ये चीज़ें महंगी भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ये मेरे डोनट्स तल के तैयार हैं, आप देख रहे हैं कितने अच्छे बने और कितने फ्लफी बने हैं, ये देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब हमने चॉकलेट गनाश बनाया था तब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इससे कम थिक थी, लेकिन अब ये रखे रखे थिक हो गया है ना। तो मैं आपको एक बहुत ही एक अच्छा सा टिप देती हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी तारीफ़ खुद करना चाहूँगी क्योंकि आप लोग तो तारीफ़ करेंगे नहीं, है ना। मैं खुद ही अपनी तारीफ़ कर देती हूँ कि ये चीज़ कोई बताता नहीं है, अगर है ना हम चॉकलेट गनाश को एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं पर ये कंसिस्टेंसी हमारी डोनट में चलेगी नहीं। तो आपको क्या करना है कि जैसे हमने 1.5 चम्मच करीब पानी ये वाला डाला था बनते टाइम में, अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच के करीब पहले पानी डाल के देखते हैं, ठीक है। एकदम से आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है कभी भी, ये आप हमेशा याद रखना, और इसकी कंसिस्टेंसी को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इससे पहले जब मैं बेकर नहीं थी तो मुझे ही लगता था कि यार ये चॉकलेट गनाश तो थिक हो जाता है, तो ये कैसे उसके अंदर हम लोग कोट कर पाते होंगे डोनट्स पे या किसी और चीज़ पे। तो बाद में जब पढ़ाई लिखाई करी तब समझ में आया कि ये जो चीज़ें होती हैं ये कुछ इस तरीके से करी जाती हैं, जो कि कहीं कहीं पर अनजान बनी रहती है और हमें पता ही नहीं होता है। ये देखिए, देख रहे हैं, 1 चम्मच और, तो अब 3 चम्मच मैंने पानी इसमें डाल दिया है। अब ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। तो बस ये डोनट लेना है, पहले सबसे पहले हम चॉकलेट वाला करते हैं। Thank you.
डेज़ के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट शुगर ले लिया है। आपके पास अगर ये नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर की पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं और इसी में ही थोड़ा सा हम गरम दूध डाल देंगे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिक्विड जो है हमेशा धीरे धीरे डालें, एकदम से नहीं डालना है। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जेस्ट डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, पर कभी भी कोई ऐसी मीठी चीज़ में अगर कोई सिट्रस फ्लेवर आ जाए उस फ्रूट का तो वो बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हम इसे कहेंगे लेमन ग्लेज्ड डोनट, है ना, हम नया नाम देंगे, हम उनसे चार कदम आगे हैं डंकिन डोनट से। वो शुगर ग्लेज्ड करते हैं, हम कहते हैं लेमन ग्लेज्ड डोनट। अब हमारी एक लास्ट और वैरायटी बची है डोनट्स की, जो कि है आइसिंग शुगर के साथ सिनेमन पाउडर। ठीक है, ये आइसिंग शुगर ऊपर से गार्निश करने के लिए केक्स, पेस्ट्रीज में या कुकीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसी में ही मैं सिनेमन पाउडर ऐड कर दूँगी। चार तरीके के डोनट्स तैयार हैं, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।